नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है। जी हां, अखिलेश यादव ने भाजपा को ऐसा जवाब दिया है, क्योंकि देखिए भाजपा जो है इस वक्त काफी सदमे में है, क्योंकि मैनपुरी हार चुकी है, लेकिन काफी उत्तेजित भी हो रही है क्योंकि वो रामपुर जीत गए हैं और सपा जो है रामपुर का इलेक्शन हार गई है। लेकिन अब भाजपा जो है वो अखिलेश यादव को काफी बड़े बड़े तंज कस रही है हारने के बाद, यानी कि मैनपुरी और खतौली हारने के बाद भी भाजपा जो है सिर्फ एक रामपुर के बल पर अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को तंज कस रही है। लेकिन आज सुबह अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा को एक ऐसा करारा जवाब दिया, और ये वीडियो जो है अखिलेश यादव की वो काफी वायरल हो रही है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। संदेश रहा, लोग जोड़े, आपस में मिलके रहें, मिलजुल की संस्कृति हो, भाईचारे की संस्कृति हो, एक दूसरे का हम सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है। वो नफरत करके राजनीति करना चाहते हैं, वो लोगों को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, वो कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और सबको गरीब बनाना चाहते हैं। जिस समय इन्हें वोट चाहिए था, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, गेहूँ दे रहे थे, वोट मिल गया सब साफ कर दिया इन्होंने। जिन्होंने सपना दिखाया था नौजवानों को, हम नौकरी रोजगार देंगे, आज नौजवान भटक रहा है नौकरी रोजगार के लिए, और उसका आपने नाराजगी देखी है। अभी मैनपुरी में नाराजगी देखी, और आपने खतौली में नाराजगी देखी, रामपुर तो बेईमानी की इन्होंने, केवल इसलिए कि उन्हें जीतना है, अधिकारियों को लगा के, पुलिस फोर्स लगा करके वोट नहीं पड़ने दिया और जीत दिया चुनाव। तो ये समय आता है, खराब लोग हमेशा रहे धरती पर और उनका अंत होता ही होता है। देखिए मायावती जी क्या कर रही है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सब लोग समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है, उस रास्ते से भटक करके किसी और रास्ते पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सिद्धांत पे चलने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे, ये रहेंगे और आने वाले समय में आप साथ साथ देखेंगे। देखिए उनकी बात मत करो, वो कहीं उनके बारे में क्या बात करें। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी, और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहीं डेंगू है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहीं गंदगी है, कूड़े का अभी तक कोई निस्तारण नहीं कर पाए, नालियों को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। तो देखा कैसे आपने, अखिलेश यादव ने भाजपा के भ्रष्टाचार, भाजपा के जो डर है इस वक्त 2024 को लेकर भी, वो सब देखे राज जो है वो खोल दिए हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा जो है वो इस बयान को, इस चेतावनी को कैसे लेती है। अखिलेश यादव 2024 का देखिए एजेंडा जो है वो सेट कर चुके हैं, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, और 80 में से लगभग देखिए 50 से 60 सीटें तो जीतने ही वाले हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा था। और भाजपा को जड़ से खत्म करने का काम भी 2024 में अखिलेश यादव करेंगे। देखना वाली बात होगी कि अब भाजपा जो है उसको क्या पलटवार करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।